आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हमने प्रापोजिशन पढ़नी है टू पॉइंट सेवन तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रापोजिशन टू पॉइंट सेवन लेट एफ बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई विद मैयर ऑफ ई इज़ फनाइट दैन इन्फिमम ऑफ साई इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ फाई इफ एंड ओनली इफ़ एफ इज मेबल वे फाई एंड साई आर सिंपल फंक्शन वो हमें यह बताता है कि अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड हो और उसकी डोमेन में मयरेबल सेट ई हो जिसका मैयर क्या हो फ़नाइट हो और अब हमें हम ये पहले कह चुके हैं कि आप कोई भी बाउंडेड फंक्शन लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा तो बाउंडेड अबव है वो साई से और बाउंडेड बिलो है वो फाई से तो साई की इन्फिमम और फाई की सुप्रीमम बराबर होगी इफ़ एंड ओनली इफ अगर फंक्शन एफ क्या है मयरेबल है वेयर फाई एंड साई आर सिंपल फंक्शन अब हम इसका प्रूफ रीड करते हैं लेट एफ बी आर मयरेबल फंक्शन बाई द बॉन्डनेस ऑफ एफ देर एग्जिस्ट एल्फा सच दैट एफ ओ फैक्स लेस देन एल्फा क्यों क्योंकि फंक्शन क्या है बाउंडेड है और बाउंडेड की डेफिनेशन होती है कि उसकी रेंज बाउंडेड होती है टेक एन आप हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं एन और एक हम न्यू सेट बनाते हैं ई e के अब ई e के में कैसे हमारे पास पॉइंट आएंगे ई के चूँकि हम हमारी डोमेन ई e है तो ई e के में ई e के वो पॉइंट्स आएंगे जिस पर एफ ऑफ एक्स के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई अल्फा डिविजिबल बाई एन से बड़ा है और के अल्फा डिविजिबल बाई एन से छोटा है ये हमने हमने खुद से ये डिफ़ाइन किया है ये ये वाला सेट हमने खुद से डिफाइन किया और ये जो हमने एन लिया है ये एन आप देख सकते हैं ये एन पे कंडीशन है के पे कंडीशन है कि माइनस एन और कैपिटल एन के दरमियान में है मिसाल के तौर पे अगर आप एन टू लेते हैं तो आपके पास ये जो के है ये माइनस टू और पॉजिटिव टू के दरमियान में होगा ये हमने एक सेट बनाया चलिए अब हमने ये लेट किया हुआ है आप इधर अगर देखें शुरू में कि एफ क्या है मयरेबल फंक्शन है जो हमें अब हमने शो ये करना है कि, कि इनफीम ऑफ साई इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ फाइव हमने ये चीज शो करनी है इन्फिम ऑफ साई इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ फाइव नाउ ई के इज मयबल सेट अब वही कहता है कि ई e के क्या है मयरेबल सेट है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एन एंड लेस देन इक्वल टू प्लस एन ई के क्यों मयरेबल है देखें बिकॉज वी कैन राइट ई के एज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अब देखें ना ये इसमें अगर आप इस सेट को इस सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें एक हिस्सा ये वाला ले लें ये वाला और दूसरा हिस्सा आप ये वाला ले ले ये वाला। तो एक सेट ये आपके पास और एक सेट आपके पास ये तो E के इसका और इसका इंटरसेक्शन और हमें ये बात पता है कि अगर फंक्शन हो तो एफ ओफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि अगर फंक्शन एफ़ मईरेबल है तो एक्स ई e के वो पॉइंट जिस पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन वहाँ पर जस्ट एल्फा होता है तो वो सेट भी मयरेबल होता है इस तरह एफ ऑफ एक्स लेस दैन भी होता है एफ ऑफ एक्स लेस दैन भी होता है एफ़ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्ल टू भी होता है और एफ ग्रेटर दैन भी होता है अगर फंक्शन एफ मईरेबल है तो फिर ये सेट भी मयरेबल होते हैं तो ये भी मयरेबल है ये वाला सेट भी मयरेबल है ये वाला सेट भी मयरेबल है एंड बींग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मयरेबल सेट इज आल्सो मयरेबल तो इसका मतलब है ये वाला जो सेट है आपके पास ये बेसिकली मयरेबल सेट है बींग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मयरेबल सेट विच आर मयरेबल सेट बाय द मयबिलिटी ऑफ एफ देखिए जी इन्होंने बताया ठीक है नाउ वी शो दैट अब हमने तो शो करना है कि जो आपने सेट बनाया है ये वाला ये जो हमने सेट बनाया है ये वाला ये ये डिसज्वाइंट है ये पेयर वाइज क्या है डिसंट पेयर वाइज डिस का मतलब यह है कि ये ये जो के है अगर आप के डिफरेंट लेंगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर के वन है तो के वन में ओ, डिफरेंट पॉइंट्स जाएंगे के वन के लिहाज से के टू लेंगे तो इसमें डिफरेंट पॉइंट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ये पेयर वाइज डिस है इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई ये मैं मैं आपको आगे, आगे बताऊंगा अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये वाला सेट डिसंट है नाउ वू शो दैट ई के वन इंटरसेक्शन ई के टू इज इक्वल टू फाइव इफ के वन नॉट इज इक्वल टू के विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरिटी सपोज दैट के वन ग्रेटर देन के टू जाहिर सी बात है अगर हमने इसको अगर ई के वन और ई के टू हमने इंटरसेक्शन का प्रूफ करना है कि वो फाइव है तो वन और के टू हमने के वन को लेस करवा दिया के टू से आप के टू के वन से भी लेस करा सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी अब हम क्या करते हैं हमें पता के वन के टू से लेस है हमें पहले की अच्छा के वन में माइनस वन ऐड कर लें उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या करना है के वन में सब दोनों तरफ K1 के वन चौके के टू से लेस है दोनों तरफ माइनस वन कर लें फिर दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दें और और दोनों तरफ फिर एल्फा से मल्टीप्लाई कर दें क्यों आप ये देखें एल्फा भी पॉजिटिव नंबर है अल्फा भी पॉजिटिव है क्यों क्योंकि अल्फा अगर आप पीछे जाएं ये देखें अगर आप एल्फ पीछे जाए तो ये देखें अल्फा किससे बड़ा है मार्ड ऑफ एफ ओफेक्स से मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो अल्फा भी आपके पास पॉजिटिव हो गया और एन नेचुरल नंबर है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपकी इनिक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा आल्सो के वन लेस देन के टू अब हमने ये लेट किया हुआ कि के वन के टू से लेस है तो गिव्स दैट अगर के वन के टू से लेस है दोनों ही नेचुरल नंबर के दरमियान में लाइक करते हैं तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इनका जो डिफरेंस है वो डिफर करेगा नेचुरल नंबर हो सकता है के वन टू हो और के टू फोर हो या हो सकता है के वन टू हो के टू थ्री हो तो मैं के टू में माइनस वन करूँगा तो हो सकता है के टू के वन के बराबर रहे या इससे बड़ा हो जाए ये देखिए अब फिर मैंने वही काम किया कि के वन और के टू माइनस वन को मैंने दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया एन से ठीक है और के टू माइनस वन अल्फा डिविजिबल बाई एन और अब ये देखें के टू माइनस वन एल्फा डिविजिबल बाय एन लेस है के टू अल्फा डिविजिबल बाय एन से क्यों क्योंकि के टू माइनस वन है के टू में कुछ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो के टू से तो छोटा ही होगा अगर आप यहां से ये देखें के वन लेस देन के टू माइनस वन और के टू माइनस वन ऑबियस सी बात है के टू से लेस होगा तो ये तीन हमारे पास एक बन जाते हैं के वन लेस देन के टू माइनस वन और के टू माइनस वन लेस है के टू से तो दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया एन से नाउ ये हमने सारा काम इसलिए किया है कि हमें ई के वन और ई के टू का इंटरसेक्शन फाइव करवाना है नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू ई के वन नौ इफ हमने ई के वन से लिया है अब आप ये देखिए ई के वन में कैसे पॉइंट्स जाते हैं अब आप इसको देखिएगा देखिए ये है ई के हमारे पास मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये ई के ई के में जाने जो भी पॉइंट्स जाएगा उसमें ऐसे पॉइंट जाएंगे जिस पर एफ ओफ एक्स के माइनस वन अल्फा से और बाई एन से बड़े हैं और इससे छोटे अब हमारे पास है ई के वन तो यहाँ पर अगर यहाँ पर के है तो यहाँ पर के है अगर यहाँ पर के टू होगा तो यहाँ पर के टू हो जाएगा जस्ट अगर यहाँ पर के थ्री है तो यहाँ पर के थ्री हो जाएगा तो हमारे पास वहाँ के वन है तो यहाँ पर आ जाएगा के वन माइनस वन अल्फ़ा डिविजिबल बाय एन ग्रेटर देन एफ ओफैक्स एफ ओफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के वन अल्फा डिविजिबल बाय एन ये देखिए ये चीज़ ये देखिए ये लिखा ठीक है एफ़ोफ एक्स लेस देन इक्वल टू के वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन हमने उसकी अभी एक साइड ली है ठीक है लेकिन अब हमें यह बात पता है कि के वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन के वन एल्फ़ा डिवीजिबल बाई एन ये किससे छोटा है के टू माइनस वन एल्फा डिविजिबल बाय एन से ये ऊपर से हमने ये लिया हुआ है तो इसका मतलब है एफ ओफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ओ फैक्स लेस देन इक्वल टू के टू माइनस वन एल्फा डिविजिबल बाय एन तो so एफ ऑफ एक्स किस छोटा हो जाता है के टू माइनस वन अल्फ़ा डिविजिबल बाई एन तो ये बात आपने याद रखना इसका मतलब है कि जब भी कोई पॉइंट आप एक्स ई के वन से लेते हैं तो उस पर जब आप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो के टू माइनस वन डिविजिबल बाय एन मल्टीप्लाई बाई एल्फ अल्फ़ा से छोटा हो जाता है या उसके बराबर हो जाता है तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ई के टू क्यों क्योंकि अगर ये ई के टू में होता अगर एक्स ई के टू में जाता तो अगर एफ ओ फैक्स इस पर अप्लाई करता तो ये इससे बड़ा होता इससे छोटा ना होता देखें देखें इधर आ जाए दोबारा ये आप देख रहे हैं सेट ये ई के है अगर ये ई के टू में जाता तो के, के की जगह पे के टू आ जाता तो एफ ओफ एक्स को के टू माइनस वन डिविजिबल बाई एन अल्फा से बड़ा होना चाहिए था ना कि छोटा अब ये एफ ओफ एक्स इससे छोटा हो गया इसका मतलब है कि एक्स आपके पास ई के टू में नहीं गया तो हमने ई के वन से लिया पॉइंट और वो ई के टू में नहीं गया चलें अब हम सिमिलरली क्या करते हैं एक्स लेते हैं ई e के टू से जब मैंने ई के टू से लिया वही बात के जो पिछले बार बार मैं कह चुका कि एफ ओफ एक्स के टू माइनस वन एल्फा डिविजिबल बाई एन से बड़ा है बट लेकिन हमें यह भी पता है कि के टू माइनस वन यहाँ आ जाए ये देखिए के टू माइनस वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन किससे बड़ा है के वन माइनस वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन से तो के वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन ये लेस देन इक्वल टू के टू माइनस वन एल्फ़ा डिविजिबल बाय एन ये देखिए ये चीज़ यहाँ भी हमारे पास मैंशन है ये देखिए तो के टू माइनस वन अल्फा डिविजिबल बाय एन किससे बड़ा है के वन एल्फा डिविजिबल बाय एन से दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि देखे किससे बढ़ा के टू माइनस वन अल्फा डिविजिबल बाई एन और के टू माइनस वन एल्फा डिविजिबल बाई एन किससे बढ़ा के वन अल्फा डिविजिबल बाय एन से तो ये इससे भी छोटा तो एफ ओफेक्स अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो एफ ओफैक्स बन जाएगा आपका के वन एल्फा डिविजिबल बाय एन से लेकिन ये, एफ इसका मतलब है हमने एक्स लिया ई के टू से और वो ई के वन में नहीं गया क्यों नहीं गया क्योंकि अगर ये ई के वन में होता तो एफ एक ऑफ एक्स इससे छोटा होता ना कि इससे बड़ा होता आप दोबारा डेफिनेशन को व्यू कर सकते हैं मैं आपको देखें ई के है तो ये देखिए अगर ये ई के वन में होता तो एफ एफ एक्स को के वन अल्फा डिविजिबल बाय एन से छोटा होना चाहिए था या बराबर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए था लेकिन ये देखिए यहाँ तो ये से बड़ा हो गया देखिए ये से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ई के वन में नहीं गया तो हमने ई के वन से पॉइंट लिया वो ई के टू में नहीं है ई के टू से लिया तो ई के वन में नहीं के वन और के टू आर्बिट्रेरी है इसका मतलब है कि जब भी आपके पास ये के जो एक आप नेचुरल नंबर्स के दरमियान में से पिक कर रहे हैं जब भी डिफरेंट होंगे तो ये इनसे बनने वाला सेट डिसजॉइंट होगा ठीक है चलिए वी क्लेम देट वी क्लेम अब हम क्लेम करते हैं कि ई e जितने भी ई के हैं इनका यूनियन किसके बराबर है ई के चूँकि के ई के है तो समीक्षण यूनियन भी के पे लगी है और के आपके पास को पता है माइनस एन से एन के दरम्या में पहले हम कह चुके हैं ओब्वियसली ई के सबसेट है ई का ज़ाहिर सी बात है ई यूनिवर्सल सेट है तो ई के जितने भी होंगे उनका यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ ई में होगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्री हमने ये बताना है कि ई को हमने यूनियन ऑफ ई के का सबसेट करना है ये इन इस इनक्वलिटी को रिवर्स करवाना है हमने ये अब हमारा हमने एक काम करना है कन्वर्सली ये देखिए अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करेंगे कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग्स टू ई हमने एक ई e से एक पॉइंट लिया हमने ई e से लिया देन एफ ऑफ एक्स इज अ रियल नंबर से आर कन्वर्सलीट <coughs> हमने एक्स लिया ई से एफ एफ एक्स इज अ रियल नंबर से आर सच दैट आर का मार लेस देन इक्वल टू एल्फाइन क्यों क्योंकि हम कह चुके हैं कि एक्स एक रियल नंबर है और एफ ओ एक्स एक रियल नंबर है से आर और आपको पता आर क्योंकि शुरू में हम कह चुके हैं ये देखिए हम कह चुके हैं कि एक्स का मार्ड लेस देन इक्वल टू एल्फा मतलब एफओ एक्स की कोई भी वैल्यू होगी उसका मार्ड लेंगे और वेल्फा छोटा होगा अगर एफ ओ फैक्स की वैल्यू मिसाल के तौर पर ए वन है तो ए वन का मार्डलेस देन हो जाएगा अल्फा से अगर एफ ओ फैक्स की वैल्यू ए टू है तो उसका मार्डलेसन हो जाएगा अल्फा से तो इन पर्टिकुलर अब हमने एफ ओ फैक्स की वैल्यू क्या ली हुई है आप देखेंगे हमने एफ ओ एक्स की वैल्यू ली हुई है आर तो आर का मार्ड लेस हो जाएगा अल्फा से सही है अच्छा नौ आर एन ओवर अल्फा इज अ रियल नंबर देखें आर बी हमारे पास एक रियल नंबर है हम पहले कह चुके हैं एन बी नेचुरल रियल अल्फा भी एक नेचुरल नंबर है ने, रियल नंबर है सॉरी तो ये इनकी डिवीजन इनक, मल्टीप्लीकेशन इनकी एक रियल नंबर सो देर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच देट के माइनस वन एल्फा लेस देन आर एन ओवर अल्फा ग्रेटर दैन इक्वल टू के क्यों आपने वो डेंसिटी रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान में आपके पास एक रैशनल नंबर लाइक करते हैं ठीक है चलें हंस दोनों तरफ हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब आप दोनों तरफ इधर के माइनस वन ए, से आपने अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया और जब आर एन ओवर अल्फ़ा से आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई और ये डिवीजन का ये कैंसल हो जाएगा और के, के साथ अल्फ़ा तो जब आप इसको एन से डिवाइड करेंगे तो ये एन भी ख़त्म हो जाएगा के अल्फ़ा ओवर एन और यहाँ पर जस्ट आर रह जाएगा और आर किसकी वैल्यू है एफ एक्स की ये देखिए सही है चले तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है अल्फा के माइनस वन डिविजिबल बाय एन से बड़ा है और के अल्फा डिविजिबल बाय एन से छोटा है या बराबर है अच्छा ये कंडीशन कब है अगर आप ये देखें <coughs> तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्स कहाँ से लिया था ई से लिया था ये देखें एक्स हमने कहाँ से लिया था ई से और ये चला इसमें और इस एक्स पर जब हमने एफ़ अप्लाई किया तो किससे बड़ा हो गया अल्फ़ा के माइनस वन डिविजल बाई एन से बड़ा हो गया के अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एन से छोटा हो गया अगर आप ये देखें तो ये जो हमने सेट बनाया है इस सेट में कैसे पॉइंट जाते हैं ई के वो पॉइंट जाते हैं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपने ये देखा कि हमने जो एक्स लिया e से तो उसने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो e से हमने पॉइंट लिया वो किस में चला गया ई e के में तो अगर ई e के में चला गया तो उनकी यूनियन में भी चला गया तो इसका मतलब है यहाँ उसने उन्होंने लिखा नहीं है डायरेक्ट कर दिया उन्होंने तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक्स हमने ई e में से लिया वो ई e के में चला गया अगर ई e के में गया तो ऑब्वियसली बात उसके यूनियन में भी चला गया तो ई e सबसेट हो गया यूनियन ऑफ ई के का तो यहाँ पर एक जगह तो हमने ये मेंशन किया हुआ है एक कि ई के को यूनियन ऑफ ई के को हमने ई का सबसेट प्रूफ कर दिया है और अब हमने ई को यूनियन ऑफ ई के का सबसेट प्रूफ कर दिया दोनों आपस में बराबर अब हम इसकी ज़रूरत क्यों पेश है वो मैं अब आप आपको बताऊँगा आगे टू प्रूव आवर क्लेम वू शो दैट के अब ये देखें अब बात के मानस एन और कैपिटल एन के दरमियान में है चलें देख लें कोई मसला है तो चले अच्छा अभी हमने ये के पे नहीं क्योंकि पे अभी हमने प्रूफ नहीं किया कि ये माइनस एन और एन के दरमियान में देखें ऊपर कहीं नहीं है अभी हमने लिखा हुआ टू प्रूव आवर क्लेम वी शो दैट के माइनस एन और कैपिटल एन के दरमियान में ये तो नहीं है कि एन आपने टू लिया होता के आपको डेफिनेटली माइनस टू और टू के दरियान में होना चाहिए था ऐसा तो नहीं कि ये के कहीं आठ है या नाइन है इनके इनके दरमियान में नहीं है तो ऐसा नहीं है अब हम बताने लगे हैं देखिए के अगर एन से माइनस एन से छो अब मैंने ये प्रूफ करना है तो ये वाली ये एक साइड ये वाली जस्ट साइड मैंने प्रूफ करनी है पहली साइड ये तो के माइनस एन से बड़ा होना चाहिए या बराबर मैं कहता हूँ ना बराबर है ना बड़ा है बल्कि माइनस एन से छोटा उल्ट ले लिया कंट्रा पॉजिटिव अगर के माइनस एन से छोटा है अब के माइनस एन से छोटा है तो के किससे बड़ा है आर एन ओवर अल्फा से बड़ा ये देखे आर एन ओवर अल्फा किससे बड़ा के से और के किससे छोटा है माइनस एन से तो इसका मतलब है देर फोर आर लेस देन हो जाएगा माइनस एल्फा से क्यों क्योंकि दोनों तरफ आप एन से डिवाइड करेंगे यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा अल्फा को आप उधर ले जाएंगे तो आर शुड बी लेस देन माइनस एल्फा ये हो नहीं सकता क्यों क्योंकि आर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है और अल्फा के साथ माइनस लगाओ ये नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये जो हमने क्लेम लिया है ये हमने गलत लिया है हमारा के वाकई माइनस एन से बड़ा है या इसके बराबर है अब हमने ये प्रूफ करना है कि के एन के बराबर है या इससे छोटा है ये आप खुद देखेंगे लेक्चर की लेंथ बढ़ती जा रही है या आप उसको खुद रीड कर लें चलें अब मैं डिफाइन करता हूँ साई एन एक सिंपल फंक्शंस अब मैं आपको पहले कह चुका हूँ दूसरे लेक्चर में किसी भी सिंपल फंक्शंस को आप लिख सकते हैं उसकी वैल्यूज़ में और साथ में करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन में शुरू में ये साई एन लिख दिया और ये फाई एन ये आप देख सकते हैं सिंस ई के इज़ मईबल हमें पता है कि ई e के क्या है मयरेबल है फॉर ईच एन ई के इज सो आपको ये बात पता होना चाहिए ये करैक्टर फंक्शन है एक्स ई के ये भी मयरेबल फंक्शन होता है इफ एंड ओनली इफ ई के इज मयरेबल करेक्टर फंक्शन मयरेबल होता है इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये ई के मयरेबल हो तो ई के चौके मयरेबल है तो ये फंक्शन भी मयरेबल कॉन्सिक्यूंटली साई एन एंड फाइ एन आर मयरेबल फंक्शन मोर एवर दे अज्यूम एट मोस्ट टू एन प्लस वन वैल्यूज चले वो हम क्लेम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यूज कितनी लेता है टू एन प्लस वन सो दैट द फंक्शन साइ एन एन फाइव आर सिंपल चलें यह सिंपल फंक्शन है और यह हम पहले क्लेम कर चुके हैं कि अब जब हमने डिफाइन किया कि साई एन एफ से बड़ा है और एफ जो है वो फाइव एन से बड़ा है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ई देन एक्स ओबियस बिलोंग्स टू ई के क्यों क्योंकि हमने हम पहले कह चुके हैं कि ई e जो है वो इक्वल हो गया यूनियन ऑफ ई के से तो अगर आप एक्स ई e में से लेते हैं तो इसका मतलब है ई जो है वो यूनियन के बराबर है ये देखें यहां इसके तो अगर मैं एक्स ई e में से लेता हूं तो इसका मतलब एक्स मैं यहां से ले रहा हूं और यहां से लेने का मतलब है कि फॉर सम ई के में से आ रहा है ये देखें ये चीज है फॉर सम के सो दैट अगर ई e के में से आ रहा है तो ये ई e के में कैसे पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट जिस पर एफ जब ऑपरेट अप, करें तो वो के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा डिविजिबल बाई एन से बड़ा होता है और के अल्फ़ा डिविजिबल बाई एन से छोटा होता है या बराबर ये हम पहले डेफिनेशन ई के की दे चुके हैं ठीक है जी चले अब नाउ साई एन एक्स इज इक्वल टू तो अल्फा ओवर एन ये हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ पीछे आप देख सकते हैं एक्स इज़ अच्छा <coughs> इसी तरीके से आप ये देखें साई एन एक्स अल्फा ओवर एन ये देखें एल्फ एक्स ई के और फाई एन एल्फा ओवर एन के माइनस वन एक्स ई के तो साइन हमने लिया अब चूँकि एक्स कान में बिलोंग करता है ई के से एक्स हम बिलोंग करता है ई के से तो जब एक्स ई के में बिलोंग करता है जब एक्स ई के में बिलोंग कर जाए तो इसका आंसर वन होता है ये मेरी बात याद रखें इसका आंसर क्या होगा वन मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ इसका आंसर वन होगा ठीक है जब इसका आंसर अच्छा वन होगा तो क्या हो जाएगा एल्फो ओवर एन समीशन के माइनस एन और के तो जो कि जब इसका आंसर अच्छा है ही वन तो समीशन ही खत्म हो गया जस्ट एक ए रह गया तो इससे समीशन लिखने की जरूरत नहीं है यही टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की गई है सही है अब अब हमें पता है कि एफ़ ओ ऑफ एन एक्स से बड़ा है और साई एन एक्स से छोटा है हम अब एक दो सेट बना लेते हैं एक ए और एक बी ए में हम वो तमाम सई रखते हैं जो कि एफ ऑफ फैक्स से बड़े हैं और बी में हम वो तमाम फाई रखते हैं जो एफ एफ से छोटे हैं और आपको पता होना चाहिए साई और फाई क्या है सिंपल फंक्शन साई साईन बिलोंग्स टू एन एंड बिलोंग्स टू बी ये अच्छी बात है और ई का मैयर क्या है फाइनाइट है अगर ई का मैर फाइनाइट है आपको पता होना चाहिए अगर ई का मैर क्या है फाइनाइट है तो हम पहले कह चुके हैं कि साई और फाई, फाई फंक्शन कि ऑब्ज़र्वेशन है टू पॉइंट टू आपने पहले पढ़ा होगा सिंपल फंक्शन जितने भी सिंपल फंक्शन होते हैं तमाम के लिबैग इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं लिबैग इंटीग्रल एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उनके इंटीग्रल फाइनाइट है चलें और हमें यह बात पता है कि फाइव जो है वो साइज से छोटा है क्यों क्योंकि फाइव जो है वो एफ़ से छोटा है और एफ़ ये देखें ऊपर देखें फाइव जो है वो एफ़ से छोटा है और एफ़ साइज से छोटा है फंक्शन छोटे हों तो उनके इंटीग्रल भी छोटे होते हैं तो गिव द कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर अच्छा कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो यानी कि बाउंडेड बिलो भी हो और, तो और बाउंडेड तो अबव भी हो तो उसकी इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है और उसकी सुप्रीम भी एग्जिस्ट करती है अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो दोबारा बता रहा हूँ तो बाउंडेड उसकी बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड अबव भी हो तो उसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है तो उस तो ए, एफ को देखें इस ये बाउंडेड बिलो है बाय फाई एन से और बाउंडेड अबव है साई एन से सही है जी तो इसका मतलब है इसकी इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है और इसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट ये देखें ये इन्फीमम आ गई और ये सुप्रीमम और सुप्रीमम ऑफ फाई लेस देन इक्वल टू इन्फीम ऑफ साई ही बात है कोई भी इन्फिमम है वो अपने सेट से छोटी होती है और सुप्रीमम अपने सेट से बड़ी होती है जी अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिए आपको पता जब मैं इस पर इंटीग्रल लेता हूँ तो जब मैं इस साई एन पे इंटीग्रल लूँगा जब मैं इस पर इंटीग्रल लूँगा साई एन पे तो एक्स ऑफ ई के का जो इंटीग्रल होता है इस इसका जो इंटीग्रल होता है वो इसका ई के का मैयर होता है ये आ गया मैर इसी तरीके से साई एन लूँगा एज़ इट इज ऐसा रहेगा लेकिन सिर्फ क्रैक्टिस फंक्शन बदल जाता है आपके ई के में ये हम मैंने आपको असाइनमेंट भी दी हुई है ठीक है चल टेक्स्ट टेक्स स्टेरिक टेक्स द फॉर्म ये स्टेरिक ये पढ़ा है आपका तो देखें हमने क्या किया इन्फिमम ऑफ साई माइनस सुप्रीम ऑफ फाइ फाइ जो है वो चुनको साई से छोटा है तो इसको मैं इधर ले आया तो ये जीरो या जीरो से बड़ा हो गया ये देखें ना इधर देखें फाइ जो है

बड़े साइड का डिफरेंस बड़ा छोटे साइड का डिफरेंस छोटा तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं तो इनका डिफरेंस इससे बड़ा हो जाएगा आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं चले अब इधर आ जाएं, तो ये साई ऑफ एन हमने इसमें से कॉमन ले लिया एम ओफी e के अल्फा ब्रेन एम यूनियन ऑफ ई के ठीक है इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शायद ये देखिए यहाँ से माइनस ओवर एन अगर आप इसको खोलें ये देखिए अल्फा ओवर एन एम ऑफ ई के माइनस अल्फा ओवर एन के माइनस वन एम ऑफ ई के अगर आप इसको खोलेंगे अगर आप इसको खोलेंगे तो इसको आप ओपन करेंगे तो के को आप ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा अल्फा ओवर एन एम के एम ई e, के माइनस अल्फा ओवर एन ओवर एन के ई के e, माइनस ओवर एन के माइनस वन एम ऑफ ई के ठीक है ये देखिए तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको खोलेंगे इस वाली टर्म को जब आप खोलेंगे इस वाली टर्म को तो आप देखेंगे कि ये के एम ई के वाला कैंसिल हो जाएगा जस्ट यहाँ बचेगा अल्फ़ा ओवर एन माइन ये माइनस का और ये माइनस वन प्लस का अल्फ़ा ओवर एन एम ऑफ ई e, के आप देखिएगा फिर मुझसे पूछिएगा कोई मसला हो तो, तो आपके बचेगा अल्फा ओवर एन आप ये बचेगा समीशन एम ऑफ ई के अब हमें पता है कि जब हम इस पर मैयर अप्लाई करेंगे तो इस समीशन जो है वो यूनियन की फॉर्म में बदल जाता है लेकिन कब बदलता यूनियन जब ई के क्या हो पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं तो इसलिए हमने ये शो किया था कि ई के जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो ये यूनियन में बदल जाता है यूनियन अब आपको अब ये भी आपको पता है कि यूनियन ऑफ ई के अगर ई के आपके पास डिक्रीजिंग हो ए, ई के आपके पास चूँकि पेयर वाइज डिसज्वाइंट है ठीक है तो आपको पता है कि यूनियन एल्फावरन और यूनियन ऑफ ई के किसके बराबर है ई के ठीक है यूनियन ऑफ ई के किसके बराबर है ई के हम पहले प्रूफ कर चुके हैं देखें क्या किया है सम्मीशन को सबसे पहले यूनियन में बदला क्यों क्योंकि ये पेयर वाइज डिसज्वाइंट है और यूनियन ऑफ ई के किसके बराबर है ई के वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो एम ऑफ ई एल्फावरैन हमें पता है कि ई e का मैय क्या है अप्रोच टू ज़ीरो अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोचिज टू इन्फिनिटी जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारे पास ये किस को अप्रोच करेगा ज़ीरो को देखिए एन जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वन ओ इन्फिनिटी क्यों होगा जीरो तो इस तमाम टर्म किस को अप्रोच करेगी ज़ीरो को तो एल्फा तो जीरो हो नहीं सकता तो फिर एम ऑफ ई ही जीरो को अप्रोच करेगा जब इसका मतलब है कि आपके पास ई जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करिए चलें यह हमारे पास एक रिजल्ट था जिसमें हमने शो कर दिया तो जब आपके पास ये चीज़ ज़ीरो को अप्रोच कर गई तमाम इसका मतलब है पीछे बैक पर आ जाए इसका मतलब है ये इसके बराबर था ये इसके इसका मतलब है ये जो है ये किससे छोटा हो गया ये वाली टर्म ज़ीरो से छोटी हो गई यहाँ पे ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है और आगे जब उसको हमने सिम्प्लीफाई किया तो ये ज़ीरो या ज़ीरो से छोटी तो इसका मतलब है इनका डिफरेंस ज़ीरो से बड़ा भी है और ज़ीरो से छोटा भी है तो इसका मतलब है ये बताते खुद ज़ीरो हैं तो फिर इसको उठा कर उधर ले जाएं तो इन्फिमम ऑफ साइज इज़ इक्वल टू सुप्रीम ऑफ फाइव ये हमने एक साइड मैंने प्रूव कर दिया है इसका दूसरी साइड अब आपने ख़ुद इसको पढ़ना है इसका देखना है ये असाइनमेंट नहीं है आपकी लेकिन आपने इसको खुद रीड करना है और जब मेरे लेक्चर होंगे आपने इसको लेक्चर को सुनना है अच्छे से जब लेक्चर ऑनलाइन होगा फिर मुझसे आपने डिस्कस करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्रॉलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो ये अब आपने काम खुद करना है यहाँ पर आके आपका थीरम वाइंड अप हो रहा है ठीक है तो ये अब आपने खुद करना है ओके वालेकुम